नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल फंक्शन पर। फिर मैं आपके लिए एक और नया फ्रेश वीडियो लाया हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे कि किराना दुकान में कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि दोस्तों किराने की दुकान पर बहुत सारे आइटम हैं, हज़ारों वैरायटी हैं, तो अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से मार्जिन होता है। किसी पे 10% का मार्जिन होता है, किसी पे 15%, किसी पे 13%, किसी पे 20%, किसी पर 25% तक का मार्जिन होता है। किराना दुकान पर अलग अलग आइटम पर हर हर तरह का मार्जिन होता है, लेकिन हम इसका एवरेज निकालें तो कितना परसेंट मार्जिन निकलता है दोस्तों, क्योंकि हम हर आइटम का तो एवरेज नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसका टोटल एवरेज अपन निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत दुकानदार को बचता है। तो दोस्तों आज मैं इसी वीडियो में यही जानकारी दूंगा। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि किराना दुकान पर कितना फ़ायदा होता है सामान बेचने पर। जो दुकान अभी कर रखे हैं या जिन्होंने खोल रखी है उनको तो ये मालूम होगा, लेकिन जो दुकान खोलना चाहते हैं उनको नहीं मालूम होगा। उनको भी पता होना चाहिए, ताकि उनको पहले से पता हो कि इसमें कितना मार्जिन है, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि बाद में कि इसमें इतना मार्जिन है, इतना कम मार्जिन है या इसमें इतना ज़्यादा मार्जिन है, क्योंकि बाद में पछतावा ना हो। तो इससे पहले उनको जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि उनको दुकान खोलने से पहले हेल्प हो सके। तो बात करें दोस्तों कितने परसेंट का मार्जिन है, आप देखोगे दोस्तों मार्जिन है 10 से 15% के बीच में मार्जिन रहता है किराना स्टोर में, चाहे छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, 10 से 15% का मार्जिन होता है। इसको हम आसान भाषा में समझें तो मान के चलिए जैसे आप 100 रुपये का आप सामान बेचते हो किराना स्टोर पर, रिटेल में फुटकर पर खेरीज की दुकान होती है दोस्तों, होलसेल का मार्जिन अलग होता है, ये रिटेल की बता रहा हूँ दोस्तों। मान के चलिए आपने 100 रुपये का सामान बेचा, दुकानदार को इसमें 10 से 15 रुपये का मार्जिन मिलता है दोस्तों, 10 से 15% का मार्जिन होता है, यानी कि 10 से 15 रुपये बचते हैं 100 रुपये के बेचने पर आइटम पर। मान लीजिए उसने 1000 रुपये के सेल करी तो उसको 100 से 150 रुपये बचेंगे। यदि वो 10,000 की सेल करता है तो उसको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये की उसकी बचत होगी दोस्तों। यानी कि जो डेली दुकानदार 10,000 रुपये की सेल करता होगा किराना स्टोर फुटकर पर, वो 1000 से 1500 रुपये डेली कमाता है, यानी कि महीने में वो 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमाता है दोस्तों। इस हिसाब से आप लगा सकते हो जितनी उसकी सेल होगी उस पर आप 10 से 15% का मार्जिन रख के चलिए, आपको प्रॉफिट पता लग जाएगा। ध्यान रहे इसमें आप दूध की बिक्री ना जोड़े, क्योंकि दूध में कोई मार्जिन नहीं होता है, बाकी सब में मार्जिन होता है। आप दूध की बिक्री का इसमें मार्जिन ना जोड़े, क्योंकि दूध में कोई मार्जिन नहीं होता है, तो इसलिए इसका मार्जिन हटा के बाकी 10 से 15% का आपका मार्जिन निकलेगा। दूध एक आइटम है जो जिसके द्वारा साथ में आइटम बिक जाता है, बाकी दूध में कोई प्रॉफिट नहीं है, वो तो खाली दुकानदार को मजबूरी में रखना पड़ता ताकि ग्राहक खाली हाथ ना जाए, सारा सामान वहीं से लेता है जहां सारा सामान मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपको समझ में आ गया कि 10 से 15% का मार्जिन है किराना स्टोर में फुटकर पर, होलसेल का मार्जिन अलग है, वो अलग वीडियो में बताऊँगा किसी दिन। तो दोस्तों वीडियो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते एक नई वीडियो के साथ।